you have moved some application seeking dispensation of service in this matter because he has been served in another matter. So you are appearing for 1 and 3? 3, madam. As per office report, counter has not been filed by 3. This also, I will adopt the for 3 also, my lord. Same. Appearing for 2 and 4. Yes, sir. Counter affidavit has been filed by respondent number 1, but the same is defective as a copy of the same has not been served on the petitioner. Yeah, it was always given, my lord. So, without supplying the copy. Copy served. Copy served, yes, always served. Write down as per office report, ma'am. It is defective because copy is not being supplied. Though it was served, it mentions incorrectly criminal. Though it has been conceded by the learned counsel for the petitioner that a copy has been received by him. Counter affidavit has already been filed by respondent number 2 and 529. As per office report, counter affidavit has not been filed by respondent number 3. It has been submitted by the learned counsel that the counter affidavit filed by respondent number 1 would be adopted by respondent number 3 as well. Yes. Let the submission be taken on record. Learned counsel for the petitioner has e-filed an application seeking dispensation of service on respondent number 15 as the said respondent is petitioner number 7 in connected matter SC number 12430 of 2024. Registry to verify the facts and report the said fact on the next date of listing. Service is complete on the remaining respondents, but none has entered appearance. Let the matter be listed on 3rd of January? No, in December is possible because. Sir, actually. And defects have already been cured. There is no defect. Sir, 20th of December? Okay. 20th December. 64. My Lord, I am for the petitioner as per the office report. सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है. दोस्तों आप वीडियो देख लिए जो आज सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी एनएम 10709 केस की सुनवाई में क्या क्या अपडेट निकल के आई है. इनके एडवोकेट के द्वारा डेट लिया गया है 20 दिसंबर को. सबसे पहले हम आपको वीडियो क्लिप ही लगा दिए, आप लोग वीडियो क्लिप देख लीजिए. चलिए आगे बात कर लेते हैं. विदेशी एनएम 10709 सुप्रीम कोर्ट केस अपडेट. आज सुप्रीम कोर्ट में विदेशी एनएम 10709 केस की सुनवाई में क्या क्या हुआ जानिए. लाइव वीडियो देखिए जो किसके एडवोकेट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आज नया डेट लिया गया है. ये तो हम सबसे पहले आपको वीडियो को दिखा दिए, आप लोग सबसे पहले वीडियो देख लीजिए. ठीक है, चलिए. सुरजीत सर क्या उस समय मैसेज किए थे तो लाइव में तो हम आपको दिखा ही दिए हैं, लाइव में आप लोग देख ही लिए हैं, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं सुरजीत सर के द्वारा क्या मैसेज किया गया था. देख लीजिए, आवश्यक सूचना आप सभी को सूचित करते हुए बताना चाहता हूं कि अर्चना कुमारी के काउंटर में जो सर्विस मैटर के है जगह क्रिमिनल मैटर, उनके वकील लिख दिया था, उसके चलते कोर्ट डिफेक्ट लगा दिया था, जो आज डिफेक्ट फ्री हो गया है. अब 20/12/2024 के सभी काउंटर को कंप्लेंस कर फाइनल सुनवाई की तारीख January 2025 में होगी. सुरजीत कुमार संयुक्त मंत्री. ये सर मैसेज के माध्यम से आपको जानकारी दिए थे, वीडियो पहले ही हम आपको दिखा दिए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान क्या क्या अपडेट निकल के आई है. ये तो हो गया. चलिए अब सुप्रीम कोर्ट के साइड पे चलते हैं और हम आपको अपडेट करके दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान क्या क्या अपडेट निकल के आई है. केस स्टेटस से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा हम आपको चेक करके बताते हैं. 22,730 तो दोस्तों देख लीजिए आप यहाँ पर. ठीक है, स्टेटस में आपको जाना है. देखिए यहाँ पर पेंडिंग मोशन हेयरिंग सर्विस कंप्लेंस, सर्विस एंड कंप्लेंस बिफोर रजिस्ट्रार. जब तक सर्विस आपको पूरा नहीं होगी तब तक आपको रजिस्ट्रार साहब के यहाँ सुनवाई नहीं होगी. बिफोर रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार से पहले आपको क्या करना है, सर्विस और कंप्लेंस पूरा करना है, उसके बाद आपको सुनवाई होगी रजिस्ट्रार, बिफोर रजिस्ट्रार. ठीक है, देखिए प्रेसली यहाँ पर ये ज्वाइंटेड आपको मैटर, मतलब मैटर जो है ना एजवेंटेड मैटर को क्या किया है, स्थगित कर दिया गया है. ठीक है, लिस्ट वन
डेट 2020-12-2024 तक, ठीक है। आपको आज का जो है सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है और नया डेट आपको 20-12-2024 को दे दिया है। ऑर्डर डेट भी आप देख लीजिए 2-12-2024। तो हाई तोबा मचाने से कुछ नहीं होगा, आपके सामने में हर चीज लिखा हुआ, आरोप प्रत्यारोप ऐसा ही लोग लगाता है। जो उसके एडवोकेट के द्वारा समय ले लिया गया है, उसके एडवोकेट के द्वारा समय लिया गया है, और वीडियो में स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं जो सर्विस मैटर क्लियर ही नहीं हुआ है, तो कहां से आपको जो है सुनवाई हो जाएगी और जज साहब के टेबल पर केस ट्रांसफर हो जाएंगे। आप तो खुद देख रहे हैं यहाँ पर सर्विस कंप्लेंस, ठीक है। जब तक सर्विस पूरा नहीं होगी तब तक आपको फाइनल सुनवाई के लिए जज साहब के टेबल पर केस ट्रांसफर नहीं होगी, ये बात आप लोग लिख लीजिए। पहले भी हम आपको बताएं और आज भी बता रहे हैं, तो सर्विस मैटर को लेके ही केस फंसा है, आपके स्पष्ट रूप से फंसा हो। अगर ये सर्विस मैटर पूरा हो जाती तो आज फाइनल सुनवाई के लिए जज साहब के टेबल पर केस ट्रांसफर हो जाती, समझे कि नहीं। तो सभी का सभी मैटर आप समझ में आ गया आपको आज के सुनवाई में क्या क्या हुआ, ठीक है। सर्विस मैटर पूरा नहीं हुआ है इसीलिए आपको आज सुनवाई नहीं हुई, केस को स्थगित कर दिया गया है अगली सुनवाई तक, समझे कि नहीं। अगली सुनवाई तक आपको स्थगित कर दिया है, यानी 20-12-2024 को अब सुनवाई होगी। सुरजीत सर भी आपको मैसेज के माध्यम से जानकारी दी है, सबसे पहले वीडियो भी हम आपको लगा दिए, वीडियो देखिए आज के सुनवाई में क्या अपडेट निकल के आई है, इसलिए अलग से हम आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं ताकि आप उस समय लाइव में सही से वीडियो नहीं देख पाए। तो चलिए इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले थे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नाइट में आते हैं 9 PM में, तब आपको क्लास करवाएंगे क्योंकि आज 12 बजे आप लोग नहीं पढ़ पाए, ठीक है। अब कंटिन्यू क्लास होगी तो सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत ही दिक्कत। थैंक यू।